हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ए आर एजुकेशनल हब तो फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एमपी बोर्ड से रिलेटेड कुछ लेटेस्ट अपडेट जी फ्रेंड्स कोविड नाइन्टीन का सिचुएशन डे बाय डे क्रिटिकल होते जा रहा है जिसके तहत जो एग्ज़ाम है स्टेट बोर्ड उसको स्थगित किया गया है लेकिन एम बोर्ड का जो है वो अभी तक कोई भी कन्फर्मेशन आया नहीं है कि दसवीं और बारहवीं का जो एग्ज़ाम है उसको पोस्टपोन्ड या कैंसिल किया गया है तो फ्रेंड्स अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे इस चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए जिससे कि आपको लेटेस्ट अपडेट हमारे इस चैनल पे मिलते रहे नीट जेई और बोर्ड से रिलेटेड तो फ्रेंड्स चलिए हम लोग आज स्टार्ट करते हैं एमपी बोर्ड से कुछ लेटेस्ट अपडेट तो फ्रेंड्स फीडबैक के आधार पर होगा बारहवीं बोर्ड परीक्षा का निर्णय दसवीं के संबंध में लिया या फैसला जी हाँ फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे जो बारहवीं का जो बोर्ड परीक्षा है उसके फीडबैक के आधार पर होगा और जो दसवीं का जो एग्ज़ाम है उसके बारे में भी अपडेट जानेंगे सी एवं अन्य राज्य जैसे महाराष्ट्र गुजरात दिल्ली आदि के शिक्षा मंडलों से फीडबैक लेने के बाद माध्यमिक शिक्षा मंडल बारहवीं बोर्ड परीक्षा के संबंध में कोई भी निर्णय लेगा जी हाँ फ्रेंड्स बाकी स्टेट्स में जैसे महाराष्ट्र गुजरात दिल्ली ये सब में जो बोर्ड्स एग्ज़ाम हैं उनको स्थगित किया गया है यानी जो बारहवीं बोर्ड का जो एग्ज़ाम है उसको पोस्टपोन किया गया है लेकिन अभी तक एमपी बोर्ड से अभी तक कोई भी अपडेट नहीं आया है कि जो एग्ज़ाम है उसको पोस्टपोन किया गया है दसवीं कक्षा का अंतिम परिणाम आंतरिक मूल्यांकन के आधार पर तैयार किया जाएगा यह निर्णय सोमवार को माध्यमिक शिक्षा मंडल और शिक्षा विभाग की औपचारिक बैठक में लिया गया स्कूल शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार बताते हैं कि पिछले सत्र यानी 2019 टू 2020 में यानी 2019 से 2020 में एमपी बोर्ड के छात्रों को दूसरे राज्यों में दाखिला लेने में विभिन्न तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ा था यही कारण यही कारण है कि इस बार दसवीं बोर्ड का परिणाम सी की तर्ज पर तैयार करने का निर्णय लिया गया जी हाँ फ्रेंड्स आपको मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया था कि जि दसवीं के जो छात्र हैं उनको उनके प्री बोर्ड के बेसिस पे प्रमोट किया जाएगा जी हाँ फ्रेंड्स उनके प्री बोर्ड के बेसिस पे दसवीं के जितने भी छात्र हैं उनको प्रमोट किया जाएगा और आपको मैंने यह भी बताया था कि दसवीं के जो स्टूडेंट्स हैं उनको ऑप्शन भी दिया गया है कि अगर उनको मार्क्स सेटिस्फाइड नहीं है देन वो एग्ज़ाम दे सकते हैं बारहवीं बोर्ड परीक्षा के संबंध में नहीं लिया कोई निर्णय वही मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार अभी तक शिक्षा मंडल ने जून में प्रस्तावित कक्षा बारहवीं की बोर्ड परीक्षा के संबंध में कोई निर्णय नहीं लिया है शिक्षा मंत्री के अनुसार बारहवीं कक्षा के बाद विद्यार्थियों को विभिन्न विश्वविद्यालयों में दाखिला लेना होता है इसलिए अंतिम निर्णय लेने से पहले एम शिक्षा विभाग सी एवं अन्य राज्य जैसे महाराष्ट्र गुजरात दिल्ली आदि के शिक्षा मंडलों से फीडबैक ले रहा है जी फ्रेंड्स आप सभी को पता है ट्वेल्थ के बाद हम लोग को ग्रेजुएशन में एडमिशन करना होता है यानी दूसरे कॉलेज में तो फ्रेंड्स ऐसे में अगर आपका जो एग्ज़ाम है वो सही स्तर से नहीं होता है तो आपको बहुत सारी दिक्कतें होंगे तो इसीलिए एमपी बोर्ड के जो गवर्नमेंट है शिक्षा मंत्री हैं उन्होंने अलग अलग स्टेट से सजेशन लिया है कि किस तरह वे विश्व किस तरह वे जो ट्वेल्थ के स्टूडेंट हैं उनको वो एग्ज़ाम दिलाया जाए जून में होंगी बारहवीं की परीक्षाएं बता दें स्कूल शिक्षा विभाग ने देश में कोरोना की वर्तमान परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए दसवीं की बोर्ड परीक्षाओं को रद्द कर दिया गया है वहीं एक मई को प्रस्तावित कक्षा बारहवीं की बोर्ड परीक्षाओं को जून में आयोजित करने का कर निर्णय लिया है हालांकि यह परीक्षाएं ऑफलाइन या ऑनलाइन मोड में होंगी इसका फैसला लेना अभी बाकी है जी हाँ फ्रेंड्स कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए शिक्षा विभाग ने जितने भी परीक्षाएं हैं उनको स्थगित कर दिया है आपको पता है कि टेंथ का जो टेंथ बोर्ड का जो एग्ज़ाम है उनको कैंसिल कर दिया गया है बारहवीं के जो परीक्षाएं हैं उसको स्थगित कर दिया गया और जो इसका प्रस्तावित एग्ज़ाम है बारहवीं का उसको एक मई से लिया जाएगा और आपका जो एग्ज़ाम होगा वो एक जून जून से आयोजित किया जाएगा हालांकि अभी यह तय नहीं हुआ है कि जितने भी एग्ज़ाम हैं बारहवीं की यानी स्टेट हो या स्टेट बोर्ड हो या फिर सी बी एस ई बोर्ड या आई सी एस ई बोर्ड अभी तक तय नहीं हुआ है कि जो आपका जो ट्वेल्थ बोर्ड का जो एग्ज़ाम है वो ऑफलाइन लिया जाएगा या ऑनलाइन क्योंकि अभी जो सिचुएशन है कोविड नाइन्टीन का वो काफ़ी ज़्यादा क्रिटिकल है तो फ्रेंड्स आपका क्या ओपिनियन है कि जो आपका जो ट्वेल्थ का जो एग्ज़ाम है वो ऑफलाइन लिया जाए या फिर ऑनलाइन मोड में लिया जाए तो फ्रेंड्स मिलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो पे तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और अच्छे से प्रिपरेशन कीजिए